Welcome to my YouTube channel. It's your Digoma 46. चिल्लाता बहुत ज़्यादा हूँ मैं गाइस. अभी रात क्या बोलते हैं, दिन के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे है गाइस. उठ के फ्रेश अप हो के रेडी हो चुके हैं हम. आज मेरी दीदी जा रही है वापस. बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि तेरी दीदी कब जा रही है, कब जा रही है. लो, जिस जिसको खुशी हो रही है देख लो, मैडम अब जा रही है. तो उनकी ट्रेन 8:20 को है निज़ामुद्दीन स्टेशन से. तो अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी रेडी वगैरह हो चुके हैं हम. उनकी पैकिंग भी हो चुकी है, तो अब जाना है. कहीं बाद में ट्रैफिक ना मिल जाए, इसलिए मैं पहले से ही सबको जल्दी, उन मैडम को जल्दी उठा के चलो हम दोनों जल्दी चलना है बोला. मैंने नींद से उठा दिया उनको, क्योंकि वहाँ बहुत ये होता है ना ट्रैफिक, इसलिए दिन निकलने पे. तो इसलिए अभी हम निकलने वाले हैं, आपको दिखाते रहूँगी दीदी को ट्रेन में बिठा के चाहते हुए रास्ते पे. ओके देन गाइस, स्टे ट्यून. ज है और दीदी अभी रेडी हो रही है. तो लो आ गई मैडम, आज जाने वाली है. या हेलो चमला टेस्ट ले अने तंग जो है रोथ रिंग आगे चुस के बट ट्रेन रे हुबली का जियो तंग शीजा लो जो है ತಂಗ ಅರ ಥನ ಅದು ದಿಲ್ಲಿ ನನಿ ಪೇಕಿ ಉಚ್ಚನ್ ಸ್ರೋಯ ನಿಪಿಂಗ ಪುಮು ಎಂದು ಲ ಪೇಕಿ ಉಚ್ಚನ್ ಸೋಯ ಅಂಗ ಯಂಗೆ ದೇವ ಸರ್ ದೇಗಿ ಟು ಸ್ರೋ ಆ ಕಂಬ ನೈ ದುರ ಕಂಬ ಮಾ ಥೆ ಶರ ಮಾ ಚಿನಿ ನಸರ ಕಂಬ ಮಾ ದಿ ಛೆ ಛೆ ದೋ ಶರ ಯಂಗ ಶಿ ದುರ ಓ ಚಿನಿ ಫಗೆ ಮೆ ಆ ತೋ ಸಮ ಶಿ ಜನ ಯೋ ಅಂಗ ಓ ಚಿನಿ ಶ ಬದ ಯುರು ಪುಮು ಎಂದು ದೇವ ಸರ್ ಕಿ ಉ ದುರ ಯ ದಿಲ್ಲಿ ಲ ಸಾ ಸು ಛಾ ಎ ದುರ ಓ ಚಿನಿ ಗಾ ದೇಗಿ ಟು ಮಸ್ತ ಅಂಗ ಲೋ ದೋ ಸಮ ಫಚರ ನಂಗ ಅರ ಫಯ ಅಮ ಚಿ ಕು ಯೋ ರ ಶಿ ಜನ ಓ ಚಿನಿ ಅರ ಗೆ ದಾ ನಿಜೆ ತಂಗ ಅರ ಅಮ ಲೈ ರೋಪ ಗೋ ರ ಗಾ ಓ ಚಿನಿ. तो गाइस था ना दिल आगो सम्स रोया दे खर्सा दे प्रभात गे निंजे था कुछ सम ता शिव कुछ सम ना रो चंगु शेगोरा ना ग्यागर ला खासी ने डामन ला वो रही शिनो खासी ना नगरा सुसु पाव ग्यागर रे उन्हें कोरा नगरा पाव ग्यागर रे नगरा हम फेवर है ना निजा मैं दोनों तरफ से हूँ क्योंकि मेरा बाप इंडियन है. प्रभात ने ऐसा बोला कि मैंने इंडियन के बारे में कुछ बोला. मैं क्यों बोलूँ इंडियन के बारे में, मैं बोलना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता है. मैं क्यों बोलो जबकि मेरा खुद बाप इंडियन है. मैं दोनों तरफ से हूँ, टिबेटन और इंडियन दोनों की तरफ से हूँ. जब मैंने अपने भगवान को, अपने खुदा को, गॉड को मैंने फर्क नहीं किया है तो इंसान में मैं क्या फर्क करूँ. मारे मारा नाल अच्छा लम्बो गुंजो मारा चिपका इंदा नाल अने लम्बो गुंजो छा चिपका रहे खे बच्चे है मारे तो हम ही लखाच नहीं खे बच्चे बोरे ऐसी नो मारा मारा गिमट छो दे ऐसी नो उन्हें ठंगू शेक रहा प्रभात की निंजे था कह जाता उन्हें को या को शेयर है निंजे यूट्यूब ना पप्पे या को शेयर रहा अने ये चंग माइक शेयर रहा खे में दोगा दिन शिंगा पिंगा पुमो ये देश या को गया रे अने को की निंजे चिता ने कर सा दी पेशा दाची गया जो रहा दी तकता ये पिंगा पुमो की क्लियर सो रे खुरांग की पेशा तकता ट्रांसफर चीरे दी खुरांग की पेशा ची गया रहा उनका जो पैसा का हिसाब था वो बराबर क्लियर हो गया. तो मैंने अपनी बहन को सिर्फ सपोर्ट किया है. मैंने उसे कल भी सपोर्ट किया था और आज भी सपोर्ट करेंगे. मेरे जितने भी बहन है अगर उनको कोई कुछ बोलेगा उनके बारे में कुछ ऐसे जो है ही नहीं सच उनको बार बार गिराने की कोशिश करेगा तो मैं उनका हमेशा सपोर्ट करूंगी क्योंकि मैं तो खुद यूट्यूबर नहीं हूँ. ना यूट्यूबर था मारे ना चिरा ना यूट्यूब इंटरेस्ट हो रहा है मारे. तो इसलिए प्रभात जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता है दिल से. उसने बात भी बहुत अच्छा किया वीडियो में, लेकिन जो भी हुआ उसने पूरा सच नहीं बोला है. आधा उसने ऐसे मिर्च मसाला डाल के बोला है क्योंकि अभी आजकल क्या ये सोशल मीडिया में सब कुछ अभी एकदम पॉलिटिक्स की तरह हो गया है. तो लोग क्या है दूसरों को गिराने के लिए ना कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी. अरे यार मेरा बाप खुद इंडियन है तो मैं उसके इंडियन के बारे में क्यों बोलूँ. मुझे बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है. मैंने बस मेरे बहन के सब्सक्राइबर थे वो लोग, इसलिए मैंने मेरी बहन को सपोर्ट किया. उनको भी मैंने रिस्पेक्ट किया दिल से. नहीं तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है. मेरा कोई इंडियन दोस्त है भी नहीं सच में. मैं अकेला हूँ और मैं अकेला खुश हूँ. मुझे किसी की दोस्त की ज़रूरत नहीं है.
मैंने अपने बहन के लिए सपोर्ट किया, उन कपल को भी मैंने बहुत दिल से माना था, क्यूट कपल है, बहुत अच्छे, उनकी तारीफ भी की मैंने। अरे यार घर मेरे बहन को इतना सब्सक्राइबर ने, जो भले वो लोग बड़े आदमी ने, कौन सा सेलिब्रिटी तो नहीं थे वो लोग, जो मेरे बहन को इन्वाइट किया था, वो कौन सा दोनों सेलिब्रिटी तो नहीं है, कौन सा बॉलीवुड के हीरो हीरोइन तो नहीं है, बस वो लोग भी हमारी तरह इंसान हैं और वो लोग भी यूट्यूबर हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे बहन को इन्वाइट किया। हम लोग घर पे गए, उन्होंने खाना बहुत अच्छा खिलाया, इन्वाइट किया, बहुत अच्छे से बातें की, इन्जॉय किया हम लोग सब साथ में। मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा कि मेरे बहन को इतना वो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मैं प्रभात जी को ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो हो गया सो हो गया, आपको जितना आपने बोलना था बोल दिया, अभी मैं खुद क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और गिला शिकवा नहीं है, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आता मो पिंगिया पुमो चिक चिक रहे, मो पिंगिया पुमो मतलब उसका बहन ऐसा है वैसा है, कैसे हो, जैसे हूँ आपके सामने हूँ और कैसे हूँ। तो गाइस देखो, मुझे अगर मैं गलत होती है तो मैं वीडियो के सामने नहीं आती, अगर मैं गलत होती है, मारा लम्बो को जो हाँ गोर है उन्हें खुरा, मेरा मतलब मैं गलत होती तो मैं वीडियो में नहीं आती, मैं क्यों डरूं? जब कोई गलत हो ही नहीं तो मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूं? और एक बात ये है, जो हम पे बीती है ना वहाँ पे वो आप लोगों पे बीतेगी ना, तब पता चलेगा। जो वीडियो में इंसान मिक्स मसाला डाल के जो बोलते हैं, उसने एक बोला या मैंने एक बोला, जो भी हमने बोला उसके बात पे आपको सच लगे या मेरी बात पे सच लगे, सिर्फ ये वीडियो पे ना कंट्रोवर्सी है, दूसरा कुछ नहीं है। उन लोगों को सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, जो कि वो चाहते थे वही हो रहा है। जो मेरे सब्सक्राइबर थे मेरे बारे में कमेंट बुरा कर रहे हैं, मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, बट व्हाटएवर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे चाहने वाले और मुझे जानने वाले जो मेरा पहले से अभी तक देखते आए, वो मेरे को अभी भी सपोर्ट करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं तहे दिल से, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ और हमेशा शुक्रिया करता रहूँगा। और जितना मैं हेटर्स को बोलता हूँ ना, जो मैं इतना उम्मीद पे खड़े उतरे ना मेरे हेटर्स लोग, जो कि उसके अकाउंट में जाके बहुत बुरा बुरा मेरे को बोल रहे हैं, बहुत बुरा बुरा कमेंट लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच हेटर्स, ऐसे ही आप लोग लिखते रहो, ऐसे ही अनसब्सक्राइब करो या ऐसे ही प्यार करते रहो, ये आपकी तरफ है, मैं ये नहीं बोल रहा। और कल की वीडियो में भी मेरे को बहुत एटीट्यूड दिखाया बोल रहा है, मैंने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, जो सच सच होता है। किसी किसी को ना झूठ पे भरोसा जल्दी हो जाता है, तो आप लोगों को उसके झूठ पे भरोसा करना है तो आप कर सकते हो, ये खुशी खुशी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी कभी जो इंसान दिखाता है ना वो असलियत नहीं होती है, वो याद रखना। कभी कभी अंधे को भी, समझ रहे हो ना, अंधे को क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, आप लोग समझते हो, अंधे कभी कभी जो आंखें वाले भी नहीं देख पाते ना वो अंधा देख लेता है, तो उतने में समझ लो, कभी कभी आंखें वाले भी नहीं देख पाते जो अंधा देख लेता है, ये मेरी डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। इसलिए अभी मैडम दूसरा हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ये क्लैरिफाई करना था इनको, तो ये आके बोल दिया आपके सामने, क्लैरिफाई हो चुका है, अभी खुशी खुशी ये जा रही है। तो अभी किसी ने कमेंट में बोला कि आपकी बहन की जबान, तो क्या हुआ मेरी जबान को, मेरी जबान जैसे मैं अभी बोल रही वही है, ऐसा ही है, नेचुरली नॉर्मल, क्या हुआ मेरी जबान को, कुछ भी नहीं, मैं जो भी बोलती हूँ डायरेक्ट बोलती हूँ सच में। अने संगमाला आने का थेरी ड्रोइन दरो अने पे गौ छे सुन तुझे ना संगमाला, और सबसे बहुत प्यार मिला मुझे मेरे बहन की तरफ से, थैंक यू सो मच, अने मेरे बहन को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। एक मिनट, और एक बात कि बहुत लोगों ने मेरी बहन पे कैरेक्टर पे उंगली उठाया है, तो गाइस इतना माइंड पे रख लेना, मेरी बहन का कैरेक्टर पूरा मुनगोट के लोग जानते, ये घरेलू है ठीक है ना, ये सिर्फ घर का काम, माँ को ध्यान रखना, मेरे बच्चे पालना, मेरे भाई बहन को पालना, अभी तक इसने घर के अलावा बाहर की दुनिया ज्यादा नहीं देखी है, ठीक है ना, इसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि ज्यादा बाहर जाके कैसा क्या ये वो, जैसे कि हम जानते हैं वैसा वो ज्यादा नहीं जानती है, ये घरेलू है, सिर्फ इसको बचपन से ज्यादातर घर पे ही रहना और माँ बाप की सेवा करना, यही ज्यादा उस पर डिपेंड हुआ है इसकी। अभी 33 एज हो रही है, अभी तक भी ये मेरी मॉम के साथ ही घर पे रहती है, घर पे घर का काम, मम्मा की मदद, ए टू जेड, हम चारों बहनों में यही मेरी मम्मा की राइट हैंड है, मम्मा की है ही नहीं, यही है मेरी मम्मा के लिए। और ये सब ज्यादातर हमारे जो मुनगोट के हैं, जो हमें जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, वो लोग जानते हैं ठीक है ना,
तो ऐसे ही किसी पे कैरेक्टर, एक औरत पे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले ना इसकी गलती निकालना चाहिए, ठीक है ना। कोई वीडियो में कोई बुरा बोलने के बाद इंसान पे कैरेक्टर पे उंगली उठाना ये गलत है। तो गाइस मेरे बारे में कुछ भी बोलो मेरे कैरेक्टर बारे में, क्योंकि मैं घूमता फिरता हूँ, पहले नशा करता था, दारू पीता था, वो अलग बात है। मैं पूरा दिखाता हूँ, जो भी नशा वगैरह जो भी करता था ना पहले दिखाता हूँ सामने में। मैं झूठ पीछे नहीं करता हूँ कि चार लोगों के सामने बहुत सती सावित्री बने और पीछे नशा करते फिरे, ये मेरा नहीं। नशा भी करती थी तो आप लोगों के सामने इंस्टा लाइव पे वगैरह सब सामने ही करती हूँ, पीछे नहीं करती मैं। मेरे दो रूप नहीं है ना, इनके दो रूप है। हम लोगों को माँ बाप ने सिर्फ एक ही रूप दिया है, वही एक ही रूप है और हमारी कुदरती है, कोई बनावटी नहीं। ना आंख बना हुआ है, ना नाक बना हुआ है, ना होंठ बना हुआ है। सब जो भगवान ने जैसा दिया है, कुदरत ने जैसा हमें बनाया है ना, हम वैसे ही है। ना हमारा कोई दिल सर्जरी का है, ना फेस सर्जरी का है, सब सेम है गाइस। जैसे आप हो वैसे हम है। जैसा दुनिया में सबका खून लाल से दौड़ता है, हमारा भी लाल से दौड़ रहा है, हमारा कोई काला से नहीं दौड़ रहा, ठीक है ना। और इंडियन टिबेटियन के बारे में ना, पहले वो मैं बहुत सारे कमेंट में बोला है कि मैं कहीं से भी टिबेटियन नहीं लगती हूँ। नहीं लगती हूँ तो नहीं लगती हूँ, इट्स ओके। फेस से जज नहीं किया जाता किसी को टिबेटियन लगती है या इंग्लिश लगती है। बहुत सारे फेस दुनिया में, हमारे टिबेटियन के फेस बहुत सारे है। चाइना लोग है, कोरिया लोग है, बहुत सारे है। जैपनीज है जो हमारे मुंह दिखते है, आंखें ऐसे लेके दिखते है ना। तो वो कौन कास्ट के, कौन कौन से भगवान को मानते है, कौन सा क्या है, आप लोगों को पता है नहीं ना। तो इसलिए किसी को चेहरे से जज ना करो, इंसान की नियत और फितरत अच्छी होनी चाहिए, भगवान उनका साथ देता है। हम लोग गए थे, हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छी की, जैसे कि हम दोनों लंगड़े थे वहाँ पे, फिर भी हम दोनों ने दर्शन अच्छी कर ली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थे, नियत अच्छी की हमने। इतना रश में भी हम लोग जाके दर्शन करके आए हम लोग, और वहाँ का लंगर भी खाया हमने, जो हमें प्रसाद बोलते हैं वो भी खा के हम आए। और अच्छे से उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया तो भी कोई बात नहीं, हमारा भगवान हमारे साथ था कि हम कैसे भी अपने घर वापस पहुंच गए। हम गलत होते तो हम कहीं अटकते, मगर कहीं अटके नहीं। और गाइस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भले हमारा फेस इंडियन जैसा लुक्स क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा दिल है, हमारा सोल है, वो तो टिबेटन है ना। और हम बचपन से हमारी माँ की टिबेटन कास्ट में ही रहे हैं, तो हम लोग हमारे भगवान जो मानना है ना, भूत के लिए हम बुद्धि मानते हैं, हम दलामा को ही मानते हैं, क्योंकि हम बचपन से हमारे मम्मा के ही पास रहे हैं और हमारी मम्मा ने हमें सिखाया है। और हम टिबेटन स्कूल भी गए हैं, जो कि मेरे क्लासमेट लोग देखते होंगे यूट्यूब, उनको भी बताया है, ठीक है ना। तो हम कोई कास्ट वगैरह के बारे में ना बोलेंगे, ना कभी बोला है उन लोगों को। बस मिल गया मौका, मेरी चौका मार दिया मेरी लगाने की yes. तो उनको मिल गया मौका। और गाइस देख लो ना, उनके व्यूज देखो, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे, वाह क्या है। तो फिर समझ लो अब वो मुंह बंद ही रखेगा, क्योंकि जब उसके बढ़ रहे हैं, उनके सपोर्टर बढ़ रहे, तो बढ़ने दो। मुझे खुशी है क्योंकि मैंने ही पहले बोला था, उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने ही पहले डाला था उनका यूट्यूब चैनल, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। मैंने उनके रिक्वेस्ट पे उनको बहुत, मैंने सोचा जब कोई मेरा अच्छा कर रहा है तो मैं जरूर उनका अच्छा करूंगा, ये सोच के मैंने किया था, मगर इनकी नियत बिगड़ गई। तो वही है गाइस, अब उनको जैसा चाहिए था वैसा उनके साथ हो रहा है, उनको सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे, व्यू भी बढ़ रहे। तो आप लोग उनको अच्छे से सपोर्ट करो, अच्छे से प्यार करो। मेरी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है, कोई प्यार से बढ़ रहा है, कोई झगड़े से बढ़ रहा है, तो बढ़ने दो, मुझे तो खुशी मिलती है। मैं तो सच में अपने से ज्यादा अभी तक दूसरे का सोचते आया हूँ, शायद ये मेरी गलती थी। और गाइस मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, समा लगा दी लगो समा चितानी खरी ना मैं दी। प्रभात जी जो हमारे जिंदगी में आए थे, शायद वो सब्सक्राइबर से ज्यादा मतलब कुछ और ही बनने के लिए आए थे और उनको जो बनना था वो बन रहे हैं, और हमें हम खुश भी है, और दुआ भी करेंगे वो कपल अच्छे से रहे, खुदा भगवान उनको खुश रखे। और प्रभात जी का बात करने का तरीका तो अंदाज तो मुझे बहुत पसंद आया, तो ओके कोई बात नहीं, मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमें बोलना था हमने बोल दिया। सो आनी छंगमा लटेश थले मंगू ये, और सबको दिल तहे दिल से थैंक यू सो मच। ओके देन गाइस, अभी टाइम हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। ओके गाइस, तो हमेशा ऐसे ही रहना, प्यार करते रहना, और प्लीज किसी पे कैरेक्टर के लिए जज मत करना, ये मैं
अपनी बहन के लिए नहीं, दुनिया में कोई भी औरत क्यों ना हो, किसी पे कैरेक्टर पे उंगली, जब तक उनको जाने ना पहचाने ना, कैरेक्टर पे उंगली ना करे। और गाइस अभी मैं ट्रेन वगैरह का ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। yes. तो ओके, इसलिए ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ आज का। तो मेन क्लैरिफाई चाहिए था, मैडम सामने आके बोल दिया आप लोगों को, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। रह था सामा सा गुद से युगी रे था दिगस गिर रहा था दिल आ शेरा हंसू लग गए मैं खल ना वहाँ इंगे आमा ले शेरा या दीपुरत हो ना रहा नीचे मुड़ा ना कहीं चीर या इन्हें कहीं मंगू वहाँ फामा लच्चे माँ लच्चे हो मेस लो अने सामा सो की ऊँच है। हैव अ नाइस डे, सबका दिन अच्छा जाए, शुभ जाए। और अभी दी भी सफर पे जा रही है, सब लोग इनको विश कर देना। ओके बाय, लव यू ऑल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब गाइस। और नेक्स्ट टाइम कभी भी हम फिर दी आएगी या मैं मंगो जाऊंगी तो ब्लॉग साथ रहेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। कितना भी करो खून खून होता है, अलग कभी होंगे नहीं हम, कोई हजार भी आग लगाने पे हम अलग नहीं होंगे गाइस, अपना खून है, जड़ है जड़। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।